नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति पुनर्स्थापना। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है। बेतिया में भी इसे लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं का भी उत्साह इस सभा में देखते ही बन रहा था। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी भी इस शोभा यात्रा में शामिल रहे। इस मौके पर लोगों से कल भव्य दिवाली मनाने की अपील की गई। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर भागलपुर में भी उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। जगह जगह श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर के सैंडिस कंपाउंड में महिलाओं ने धूमधाम से गायत्री और राम यज्ञ किया। इसके साथ ही प्रभु श्री राम के नाम की ज्योति जलाई गई और रंगोली बनाई गई। काफी इंतजार, संघर्ष और ये जो संयम है उसके पश्चात और प्रभु श्री राम के बारे में परीक्षा और कई उपलब्धियां को प्रमाणित करके हम लोगों को उसके बाद जो है हम लोग को यह गौरवान्वित क्षण प्राप्त हुआ है और इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी हैं। तो इस साक्षी को हम लोग जो है उत्साह के रूप में सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर आज हम सभी जो है हवन कुंड और गायत्री यज्ञ के द्वारा हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। तो वहीं बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर के प्रभु श्री राम को लेकर गाए गीत को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर न सिर्फ मैथिली ठाकुर का बल्कि बिहार के संगीत का भी मान बढ़ाया है, जिसके बाद मैथिली ठाकुर बेहद उत्साहित हैं। न्यूज 18 से बातचीत में मैथिली ठाकुर ने अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही मैथिली ने अपने गीतों के जरिए एक दिलचस्प प्रसंग भी सुनाया। जब भगवान श्री राम शादी के वक्त कोहवर में जाते हैं और नेग नहीं देने पर उन्हें खूब गालियां पड़ती हैं और भगवान राम मुस्कुरा कर रह जाते हैं। मैथिली ठाकुर से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर, जिनके गानों को आपने कई बार सुना होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार अगर आपने सुना है तो दोबारा सुने बिना न रह होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही मैथिली ठाकुर, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इनके गानों को प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए, जैसी आपको जानकारी मिली कि आपके गानों को प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा। और जब हम लोग अपने घर में चार दीवारी के अंदर वो वीडियो शूट कर रहे थे, हम तीनों भाई बहन और काफ़ी हमारी सखियां बैठ करके गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तो बिल्कुल ये ख्याल दिमाग में नहीं था दूर दूर तक कि कभी इस वीडियो को प्रधानमंत्री देखेंगे, ट्वीट करेंगे और पूरी दुनिया एक ही बार इस वीडियो की ओर देख रही होगी। तो बहुत एक्साइटमेंट है, खुशी है अंदर। तो ये गाना बनाया कब था, कब इसे लिखा, कब बनाया? ये गीत मैंने लिखा नहीं है, काफ़ी सारे प्रवचन मैं यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ, तो उसी बीच में जब प्रसंग महाराज जी, मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, तो कथा कहते कहते बीच में जो कड़ी होती है उसमें जो भजन गाते हैं ये उनमें से एक है। तो जरा हमारे दर्शकों को भी सुना दें, चढ़ लें। आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी शबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मतलब आप चूंकि मिथिला से भी आती हैं,
और मिथिला का संबंध अयोध्या से काफी गहरा रहा है, और ऐसा कुछ आप हमें हमारे दर्शकों को सुनाएं कि मिथिला और अयोध्या का सम्मिश्रण कुछ झलके। बिल्कुल, जब भगवान राम विवाह के लिए जब मिथिला में आते हैं तो कई सारे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, रस्म होते हैं, जो मिथिलानी उनसे जैसे जैसे कहती हैं वो वैसे वैसे करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कई बार नहीं मालूम है कि मुझे करना क्या है। अच्छा। तो मिथिलानी जब एक अब कहती है उनको कि ये द्वार की छिकाई जो होती है ये बहुत बहुत ही प्रचलित है, और इसके मेरा एक आग्रह है कि अगर आप मिथिला ही भाषा में गाए जो मैथिली भाषा में होता है तो ज्यादा मजा आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पूरा एक आपको थोड़ा मैं दो तीन मिनट का समय लूंगी इसमें। राघव जी को हबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी को हबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, द्वार की छिकाई यहाँ नेक किछ लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेक कुछ लागे, जल्दी से दीजे निकारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी को हबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, हम तो सिया जी की सखियाँ सहेलियाँ, हम तो सिया जी की सखियाँ सहेलियाँ, कोई सरहज कोई सारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी को हबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। फिर राम जी जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं हम तो बिल्कुल वन से ही आए हैं, अपने मुनि के साथ आए हैं, हम तो कुछ लेके नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं नेक नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेक नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, अरे वन के कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी को हबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। फिर मिथिलानी कहती हैं कि बिना चुकाए हम तो जाने नहीं देंगे, बिना चुकाए हम तो जाने नहीं देंगे, अरे देंगे हजारन गारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी को हबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। फिर जब ऐसा होता है कि अब तो राम जी के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, लेकिन नेक तो देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी गाली पड़ेगी, फिर भी वो मना करते कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो मिथिलानी ही एक विचार उनके मन में आता है तो टांग खिंचाई करने के लिए वो एक बात कहती है, अरे कर दे प्रबंध किछु गिरवी आप रख दे, कर दे प्रबंध किछु गिरवी आप रख दे। मिथिलानी कहती है कि अगर आपके पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो कुछ गिरवी रख दीजिए ताकि आप अंदर जा पाए, द्वार के अंदर जा पाए। तो फिर उनके भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या गिरवी रखेंगे, अरे कर दे प्रबंध किछु गिरवी आप रख दे, अरे बेचहूं बहिन महतारी ढिठाई माफ कीजे हमारी, राघव जी को हबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। तो बात यही है कि मिथिला जितनी भी मिथिलावासी हैं भले ही गाली दे दे, लेकिन वो एक प्लस पॉइंट जो यहाँ पे सॉफ्ट पॉइंट लेके रखते हैं कि माफ़ हमें कर दीजिए, क्योंकि हम तो सीता जी की सखी सहेली हैं और उसी की बदौलत हमको ये अवसर मिला कि हम आपको गाली दें, पूरी दुनिया आपको पूजती है लेकिन हम आपको गाली देंगे। अच्छा, ये हक मिला हुआ वहाँ के लोगों को। हाँ, ये हक तो बहुत स्पेशल, राम जी खुद वैसे लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लग जाता है जब ऐसी बातें होती है, और राम जी जो उनके बड़े ज्येष्ठ और बड़े प्रिय भाई हैं लेकिन उनको कोई बुरा भला कह रहा हो, लेकिन राम जी उनको आंख दिखा के चुप कर देते हैं कि ये तो हमारा ससुराल है। ये बहुत रोचक प्रसंग भी है। एक आखिरी आपसे आग्रह, चूंकि आप मिथिला की बेटी भी हैं, मिथिला में भी क्या माहौल है खासकर 22 तारीख को लेकर? मैं तो यहाँ तक देख रही हूँ, सब मुझे टीवी पे जो देखने को मिलता है उसी में बहुत ही अच्छी चीजें देख रही हूँ कि मिथिला से बाहर लेकर के जा रहे, जैसे कि हम भी गए थे। हाँ, तो ये आप समझ सकते हैं कि मिथिला वासियों के मन में क्या क्या भाव है अभी। और एक बात और है, भले ही पूरी दुनिया के लिए राम
वापस लौट के अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा माहौल है कि राम हमारे घर आ रहे हैं। लेकिन हम मिथिलावासियों के लिए ये कुछ अलग है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि राम जी हमारे यहाँ से कभी गए, हमेशा यहाँ थे। जब पहली बार राम आए, चाहे वो विवाह के लिए आए, फिर उसके बाद हमने उनको इतने महीनों तक रोका, उनकी खातिरदारी की, लेकिन उनको जाने नहीं दिया, हमेशा उनकी छवि को अपने हृदय में वैसे ही बसा करके रखा, और वो भाव भी अभी तक वैसे ही जीवंत है कि राम जी हमारे पाहुन है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ मैथिली ठाकुर, इन्होंने कुछ ऐसे गीत गाए जिसके सुनकर मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए। उम्मीद है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपकी भी स्थिति यही रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार और अयोध्या का संबंध कितना प्रगाढ़ है, कितना अनुपम है, कितना विशिष्ट है, इन गीतों में, इन बोलों में आपको समझ में आया होगा, जिसे मैथिली ठाकुर ने अपनी आवाज़ से सजाया और बहुत खूबसूरती से चित्रण किया गया। प्रभु श्री राम को ढिठारी और गारी भी दी गई, लेकिन वो भी आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक। हमारी सहयोगी विनीता इस वक्त अयोध्या नगरी से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गई हैं। विनीता, शाम जैसे जैसे होती है वैसे वैसे ये अयोध्या नगरी और ज़्यादा आह्लादित नज़र आती है और ज़्यादा प्रकाशित नज़र आती है, और वक्त कम होता जा रहा है। 17 घंटे और कुछ मिनट का वक्त शेष है जब प्रभु श्री राम के दर्शन सभी करेंगे और वो अनुपम क्षण भी हम सबके सामने होगा। सबसे पहले तो इस वक्त की खूबसूरती अयोध्या नगरी की कैसी है, जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। विनीता, आप सबसे पहले तो वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे मैं जगमग रोशनी देख पा रही हूं। श्रद्धालु तो हैं ही, जिनके लिए अपने आप में सौभाग्य की बात है कि वो इस धरा पर मौजूद हैं। शिप्रा, बिल्कुल अयोध्या राममय है, जहाँ देखो वहाँ भगवान श्री राम के बोल नजर आ रहे हैं। और यहाँ जिस वक्त अभी हम मौजूद हैं कारसेवकपुरम में, जहाँ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा चल रही है, और यहाँ की जो दृश्य है अलौकिक नजर आ रही है। और जो कथा की तस्वीर है सबसे पहले वो हम दिखाएं आपको, जहाँ खुद बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुँच चुके हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी को यहाँ प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, और जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनके अयोध्या पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रवि किशन अभी यही मौजूद हैं, और तमाम ऐसे विशिष्ट लोग जो एक एक करके आ रहे हैं। कंगना रनावत भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगी, और अभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के कथा में यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ये तमाम लोग कल प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, और कारसेवकपुरम जहाँ ये कथा चल रही है वहाँ का भव्य जो नजारा है अपने आप में अलौकिक नजर आ रहा है। भगवान श्री राम के वनवास की अलग अलग तस्वीर यहाँ दिखाई गई है। भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ नौका पार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके भाई लक्ष्मण जी यहाँ नजर आ रहे हैं, यानी रामायण की हर एक तस्वीर नजर आ रही है, और लोग भी लगातार यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल विनीता, यूं कहें कि अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की नगरी तो है ही, लेकिन आज अयोध्या के प्रसंग भी आपको हर तरफ नजर आएंगे, उनकी छाप आपको हर तरफ नजर आएगी, और प्रभु श्री राम ही साक्षात जैसे अयोध्या में इस वक्त मौजूद हों, हर कण कण में और हर वासी में जैसे प्रभु श्री राम का वास है, और तभी सिर्फ हर तरफ एक ही नाम जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा है। बिल्कुल विभा, जय श्री राम के उद्घोष सुनाई तो दे रहे हैं, और जो जितने भी लोग हैं वो अपने आप को काफी महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, उनका भाग्य उदय हुआ है ऐसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि वो अयोध्या नगरी में है इस वक्त। क्या नाम है? मेरा नाम जागृति सिंह है। कहाँ से आई है? हम मनकापुर गोंडा से हैं, पर यहाँ पे मतलब हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। खुशी हो रही है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं? बहुत ही मतलब आनंद का माहौल है, बहुत ही उत्साहित। अभी कुछ देर पहले आप एक गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी कोई भजन? जी, एक भजन गुनगुना रहे थे, तो मतलब प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव भंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गणित अमित छविना नील नीरज सुंदरम नवनीत पानूतरित रुचि सुचि नौ जनक सुतावर।
हैं कि प्रभु श्री राम की जो भक्ति है वो हर किसी की जुबान पर है, सभी भगवान राम की भक्ति में लीन है। और अगर यहाँ की तस्वीर की हम बात करें, भक्त तो लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन कार सेवक पूरम की अगर तस्वीर की हम बात करें तो ये देखिए जो अलौकिक नजारा है, सभी इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसी तस्वीर फिर मिले ना मिले। अयोध्या मानो स्वर्ग बन गई है, भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर छोटे छोटे तहत यहाँ नजर आ रही है। और कैसे भगवान श्री राम ने गुरु से अपने गुरु ज्ञान लिए, और उस अलौकिक मंदिर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जैसा मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसमें भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वो मंदिर भी यहाँ छोटे स्वरूप में बनाकर रखी हुई है। और जो भक्त क्योंकि अभी जा नहीं पा रहे हैं, मंदिर के पास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही जो आम भक्त होंगे वो जाएंगे, वो यहाँ आ रहे हैं और उस मंदिर के छोटे स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ जो तस्वीरें हैं वो क्लिक करा रहे हैं। और ये देखिए अयोध्या नगरी की सबसे खूबसूरत तस्वीर, भगवान श्री राम की जो नवनिर्मित मंदिर है उसके छोटे स्वरूप को यहाँ तैयार किया गया है। और वाकई अलौकिक नजारा, मानो धरती पर ही स्वर्ग है। चारों तरफ खूबसूरत जो लाइट से वो नजर आ रही है, फूलों से सजाया गया है। और जो मंदिर है जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है, वहाँ 2000 टन फूलों से उसे सजाया गया है। चुकी अब सिर्फ विशिष्ट मेहमानों के लिए यहाँ पर आने की अनुमति है, और जिनके पास पास मौजूद है वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में कौन कौन से विशिष्ट मेहमान पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो सुरक्षा के इंतजाम सुबह से आप दिखा भी रही हैं, वो इंतजाम ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पर आने वाले हर एक अतिथि को, हर एक गणमान्य को सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बिल्कुल विभा, जिस तरीके से जो विशिष्ट अतिथि हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं राम भद्राचार्य जी महाराज, जो जगत गुरु हैं, जिनका जो बयान है सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण था, वो खुद मौजूद है, उनकी कथा चल रही है, वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर कल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ कई और लोग आ रहे हैं। अगर हम बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जो सिंगर है जुबिन नौटियाल वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तमाम ऐसे नाम, सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया गया है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, महेंद्र सिंह धोनी उन्हें भी आमंत्रण पत्र मिला है वो भी शामिल होंगे। अगर साधु संतों की हम बात करें तो वो भी लंबी लिस्ट है। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ चुके हैं। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो रवि किशन आ चुके हैं, कथावाचक प्रदीप मिश्रा वो भी यहाँ आ चुके हैं। और एक एक करके जो विशिष्ट मेहमान हैं, जो काफी लोकप्रिय हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि कल बड़ा कार्यक्रम है। लगभग 6,000 से 7,000 लोग मंदिर में मौजूद रहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, सुबह में सरयू स्नान करने के बाद वहीं से जल लेकर वो मंदिर जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। और तमाम लोग उस अलौकिक मंदिर में जहां प्रभु श्री राम के अलौकिक और दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य कार्यक्रम होना है, उस मंदिर में सभी लोग विराजमान होंगे और उन विशिष्ट अतिथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कई लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया है और वैसे विशिष्ट अतिथि लगातार आ रहे हैं। कई कार सेवक जिन्होंने 1992 में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, कार सेवक के रूप में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन लोगों को भी आमंत्रण पत्र दिया गया है और वो लोग भी लगातार आ रहे हैं। सभी के पास सुनिश्चित किए गए हैं, निमंत्रण पत्र उनके पास है और सिर्फ उन्हीं लोगों को अभी अयोध्या में एंट्री दी जा रही है। बिल्कुल, तो यानी अयोध्या जो है वो कल के इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, ऐतिहासिक पल के लिए, उस ऐतिहासिक दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और बस इंतजार कल सुबह का, जब बताया जा रहा है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। और हम तो घंटे की सुइयों को, मिनटों की सुइयों को भी गिन रहे हैं, क्योंकि अब ये वक्त धीरे धीरे बता रहा है कि 17 घंटे 43 मिनट और 16 सेकंड, सेकंड की सुई तो बहुत तेजी से गुजरती हुई बस क्षण नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वनीता हमारे दर्शकों तक इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जो है वो जगमग है और दिव्य दर्शन का इंतजार बहुत कम बचा है। इस खास प्रस्तुति में तो फिलहाल इतना ही, चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।